दोस्तों, ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोर्सी ने सोमवार को कंपनी के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद कंपनी के बोर्ड ने चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर पराग अग्रवाल को कंपनी का नया सीईओ नियुक्त करने का ऐलान किया है। डोर्सी ने एक बयान में कहा, मैंने ट्विटर को छोड़ने का फैसला लिया है क्योंकि मेरा मानना है कि कंपनी अब अपने संस्थापकों से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। पराग अग्रवाल को लेकर डोर्सी ने कहा कि मुझे सीईओ के तौर पर पराग पर विश्वास है। पिछले 10 वर्षों में यहां उनका काम बेहद शानदार रहा है। वहीं पराग अग्रवाल ने कहा, इस समय पूरी दुनिया हमें देख रही है। आज के इस समाचार को लेकर लोग अलग अलग विचार प्रदर्शित करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ट्विटर और हमारे भविष्य की परवाह करते हैं। यह इसका संकेत है कि हमारे काम का महत्व है। आइए दुनिया को ट्विटर की पूरी क्षमताएं दिखाएं। आपको बता दें कि पराग अग्रवाल 2011 में ट्विटर के साथ जुड़े थे। इससे पहले वो याहू और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं। अग्रवाल IIT बॉम्बे के पूर्व छात्र हैं। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में PhD की है।